आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके पूरे परिवार पर सीबीआई के शिकंजे के बाद बिहार की राजनीति में आया भूचाल अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष के वार से भी ज्यादा आरजेडी को नीतीश की चुप्पी खाई जा रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर मुखर हो रही है, तो वहीं नीतीश मौन व्रत धारण कर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार ना तो आज लोक संवाद कार्यक्रम करेंगे, ना ही कल उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। भले पिछले 3 दिनों से नीतीश ने अपने साथी लालू पर हो रही कार्रवाई पर उफ तक ना की हो, लेकिन उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने लालू का समर्थन जरूर किया है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने लालू के परिवार पर हुए सीबीआई छापों को बदले की कार्रवाई बताई है। शरद यादव ने कहा कि यह महागठबंधन को रोकने की कार्रवाई है। जब से गठबंधन की बात हो रही है, यह कार्रवाई हो रही है। नीतीश कुमार के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश बिहार के हालात की वजह से कल दिल्ली में होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। नीतीश कुमार की चुप्पी पर विपक्ष का मानना है कि नीतीश कुमार की तबीयत का बहाना बनाकर सीबीआई छापे पर कुछ नहीं बोले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तमाम पार्टी नेताओं और प्रवक्ताओं को भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधने को कहा है। अब सबकी नजरें कल नीतीश कुमार की ओर से बुलाई गई जेडीयू विधायकों की वरिष्ठ नेताओं की बैठक पर लगी है कि वह लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर सीबीआई मामले पर क्या स्टैंड लेते हैं। सीबीआई के शिकंजे में फंसे लालू यादव को इस वक्त अपने साथी नीतीश कुमार का ही सहारा है, लेकिन उन्होंने मदद तो दूर कोई सहानुभूति भी नहीं दिखाई है। वहीं जेडीयू के नेता शरद यादव ने आरजेडी का समर्थन किया है। ऐसे में शरद यादव के बयान को पूरे जेडीयू के समर्थन से जोड़कर देखा जाए या नहीं, ये तो कल नीतीश की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।